आईफोन 15 प्रो मैक्स, गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा दोनों स्मार्टफोन है 2023 के बेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन है। आईफोन 15 प्रो मैक्स है वो आता है A17 प्रो बायोनिक चिप के साथ, गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा है वो आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4 गैलेक्सी के साथ। आईफोन 15 प्रो मैक्स की जो चिप है वो है बेस्ट है 3 nm पर और गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा की जो चिप है वो बेस्ट है 4 nm पर। ज्यादा बड़े नंबर लेके आता है आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो क्या रियल यूजेज में भी आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो प्रोसेसर है वो पावरफुल है? तो स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, हेवी गेम हेवी ऐप ओपन करेंगे और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन में वो जल्दी ऐप है वो ओपन होती है। आईफोन 15 प्रो मैक्स, गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा दोनों स्मार्टफोन का बूटिंग टेस्ट करेंगे, पहले कौन सा स्मार्टफोन है वो ऑन होता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स बहुत ज़्यादा फास्टर है सैमसंग गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा से, बहुत जल्दी ओपन हुआ है आईफोन 15 प्रो मैक्स, दोनों के अंदर 5 से 10 सेकंड का डिफरेंस है। तो अभी बहुत सारी ऐप्स और बहुत सारे गेम्स हैं वो ओपन करेंगे और देखते हैं पहले कौन से स्मार्टफोन में ओपन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। आईफोन फास्टर है, दोनों सेम, यहाँ पे भी आईफोन फास्टर है, यहाँ पे सैमसंग फास्टर है आईफोन से, यहाँ पे भी आईफोन 15 प्रो मैक्स फास्टर है, यहाँ पे भी लिटिल फास्टर है आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन अगेन फास्टर, यहाँ पे भी लिटिल फास्टर है आईफोन 15 प्रो मैक्स फ्लिपकार्ट, यहाँ पे भी आईफोन फास्टर है सैमसंग से। सैमसंग के प्रोसेसर को बीट करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्रोसेसर A17 प्रो बायोनिक चिप। अमेजोन, अगेन आईफोन फास्टर, जीमेल, यहाँ पे भी आईफोन फास्टर है। अब बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं वो ओपन करते हैं और देखते हैं कौन से स्मार्टफोन में पहले ओपन होते हैं। यहाँ पे सैमसंग फास्टर है आईफोन 15 प्रो मैक्स से, टेम्पल रन दोनों में सेम एनिमेशन ओपन हुआ है एक साथ, बोथ आर सेम, एक ही टाइम में दोनों में गेम ओपन हुआ है, ग्राफिक्स काफी बढ़िया है दोनों स्मार्टफोन के, अगेन आईफोन फास्टर, बहुत सारे गेम्स में आईफोन है बहुत जल्दी ओपन कर देता है गेम को, बहुत ज्यादा फास्टर है यहाँ पे आईफोन। तो अभी सबसे हेवी गेम है S4 9, ये ओपन करते हैं और देखते हैं पहले कौन से स्मार्टफोन में ओपन होता है। पहले लोड हुआ है आईफोन 15 प्रो मैक्स में, दोनों में ही लोड हो रहा है और आईफोन ने पहले गेम को ओपन किया है, तो दोनों के अंदर 2 से 3 सेकंड का फर्क है बट आईफोन ने पहले ओपन किया है इस गेम को। पबजी, अगेन आईफोन फास्टर, पबजी में बहुत जल्दी लोड कर लिया पबजी को, लूडो पहले ओपन हुआ है आईफोन 15 प्रो मैक्स में। तो सभी गेम्स में आईफोन विन करता जा रहा है। अभी एक लास्ट गेम है वो ओपन करते हैं,
पहले एनिमेशन है वो ओपन हुआ है आईफोन 15 प्रो मैक्स में, बट पहले गेम लोड किया है S23 अल्ट्रा ने। दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो इक्वल है, बट ज्यादा एप्स और ज्यादा गेम्स हैं वो जल्दी ओपन हो रहे थे आईफोन 15 प्रो मैक्स में। दोनों स्मार्टफोन में एंड-टू-एंड बेंचमार्क स्कोर रन किया। दोनों स्मार्टफोन में एंड-टू-एंड बेंचमार्क स्कोर रन करने के बाद पहले स्कोर कंप्लीट किए आईफोन 15 प्रो मैक्स ने। दोनों स्मार्टफोन के एंड-टू-एंड स्कोर में बहुत ज्यादा अंतर था। आईफोन 15 प्रो मैक्स के एंड-टू-एंड स्कोर थे 14,75,000 और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के एंड-टू-एंड स्कोर थे 12,73,000। दोनों स्मार्टफोन में 2,00,000 का डिफरेंस था, तो आईफोन एंड-टू-एंड स्कोर में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से। दोनों स्मार्टफोन में गीकबेंच 6 स्कोर रन किए और देखा कि कौन से स्मार्टफोन में आपको ज्यादा सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में Geekbench 6 स्कोर रन करने के बाद पहले स्कोर कंप्लीट किए आईफोन 15 प्रो मैक्स ने। आईफोन 15 प्रो मैक्स के सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर ज्यादा हैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है आईफोन 15 प्रो मैक्स का, यहाँ पे बीट कर देता है आईफोन का प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी के प्रोसेसर को। स्पीड टेस्ट का विनर है आईफोन 15 प्रो मैक्स। अगर आप हेवी गेमिंग करते हो तो आप आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में गेमिंग नहीं कर सकते, बट ज्यादा हेवी गेमिंग के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।